बहुजन समाज की शेरनी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हमेशा से ही अपने तेज तर्राक नेतृत्व से मानी जाती हैं, लेकिन बीएसपी के लिए लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि बसपा का जो डिसीजन होते हैं वो सही नहीं है। लेकिन बसपा के लिए एक शेर याद आता है दोस्तों, उसमें कहते हैं, गलती तेरी नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी थी जो मैंने तुझे मौका दिया। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती विश्वास करें तो किस पे करें, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। वही हाल है बसपा का। राजस्थान में बसपा के सभी 6 विधायकों ने थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। विधायकों के झटका देने पर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को कोसा। राजस्थान में मायावती को झटका देकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले बहुजन समाज पार्टी बसपा के 2 विधायकों को मंत्री और 4 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके समर्थकों और राजनीति नियुक्तियों देकर समायोजित करने का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि सोमवार देर रात बसपा के सभी 6 विधायकों ने पाला बदलते हुए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और हालांकि मध्य प्रदेश में इस राजनीति उठापटक का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के अनुसार अशोक गहलोत ने बसपा से आए 2 विधायकों राजेंद्र गुड़ा और वाजिब अली को मंत्री एवं 4 विंदर सिंह अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खेरिया और लाखन सिंह को संसदीय सचिव बनाने का वादा किया है। इन विधायकों के आधा दर्जन समर्थकों और राजनीति नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत करने का भी आश्वासन दिया है। भाजपा बोली, गहलोत के मन में असुक्षा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने का निर्णय सीएम अशोक गहलोत के मन में असुरक्षा दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रलोभन देकर गहलोत ने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया है। आरएलडी का विधायक भी थामेगा हाथ बसपा के सभी 6 विधायकों के बाद। अब राष्ट्रीय लोकदल व आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग को कांग्रेस में शामिल। डॉक्टर गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले 2 दशक से काफी निकट रहे हैं। बसपा का इस वक्त जो माहौल है, जबकि बहुत ऊंची 2022 में बसपा की तैयारी चल रही है, मायावती बहुत अच्छे से तैयारियां कर रही हैं, पूरे देश के अंदर उनका जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरीके से पार्टी बदलने से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है और बसपा सुप्रीमो कहाँ पर किस पे विश्वास करें उनको खुद समझ में नहीं आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।